तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूं कि कैसे आप एंजल वन ऐप को यूज़ करके किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय कर सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। तो स्टॉक्स को बाय और सेल करने से पहले हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें अपने बैंक अकाउंट से एंजल वन ऐप में फंड्स को ऐड करना है, कैसे आपको कंपनीज का वॉच लिस्ट क्रिएट करना है जिसके स्टॉक प्राइस पर आप नज़र रखना चाहते हो, और हम ये भी सीखेंगे कैसे आपको फंड्स को वापस एंजल वन ऐप से बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप एंजल वन पे डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आता है तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कम्प्लीट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस दिखाया है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको एंजल वन ऐप ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपने यूज़र आईडी या फिर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे स्टॉक्स को बाय करने से पहले आपको फंड ऐड करना होगा, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट से ऐड करोगे और उसी फंड को आप यूज़ करके स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बॉटम में फंड्स का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको फंड ऐड और विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी आप फंड ऐड करोगे यहाँ पे आपको फंड्स में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक दिखता है फंड के सामने, इसी को आपको यूज़ करना है शेयर्स को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 6,416.40 रुपया ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैं और भी फंड ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मुझे ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अमाउंट इंटर कर देना है जो भी आप ऐड करना चाहते हो। मान लो मैं 1,000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, अदर UPI मेथड्स और नेट बैंकिंग से भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गूगल पे चूज़ कर लेता हूँ, और फंड ऐड होने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो मेरा 6,416 से 7,416 रुपया हो जाता है। तो दोस्तों अब मुझे इसी फंड को यूज़ करना है स्टॉक्स को बाय करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। तो स्टॉक्स बाय करने से पहले यहाँ पे सीख लेते हैं कि कैसे हमें वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करके आप उसमें कंपनीज को ऐड करके रख सकते हो, जिसके भी स्टॉक प्राइस पे आप नज़र रखना चाहते हो कि कब उसका स्टॉक प्राइस अप जा रहा है और कब डाउन जा रहा है। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको इस सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा 2 वॉच लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, एक माय वॉच लिस्ट के नाम से है और दूसरा न्यू के नाम से है। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर सकता हूँ एडिट पे क्लिक करके, और यहाँ पे किसी भी वॉच लिस्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो नया वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। मान लो आपको अलग अलग टाइप के कंपनीज का वॉच लिस्ट क्रिएट करना हुआ, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज का अलग वॉच लिस्ट, बैंकिंग कंपनीज का अलग वॉच लिस्ट, IT कंपनीज का अलग वॉच लिस्ट, तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप के कंपनीज का भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑटोमोटिव कंपनी का वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मुझे नाम टाइप करके क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक भी कंपनीज को अभी ऐड नहीं किया है, तो आप मैक्सिमम 50 कंपनीज को एक वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और यहाँ पे आप स्टार पे क्लिक करके किसी भी वॉच लिस्ट को डिफॉल्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसके बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा पहला एक वॉच लिस्ट के नाम से ही वॉच लिस्ट था, दूसरा न्यू के नाम से था, और तीसरा मैंने ऑटोमोबाइल का बनाया है। तो यहाँ पे अब मैं ऑटोमोबाइल कंपनीज को ऐड कर सकता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मुझे सर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी को सर्च कर सकता हूँ बाय नेम। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स सर्च कर लिया, तो यहाँ पे आपको इस पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको NSE और BSE में ये कंपनीज दिख जाएंगी। यहाँ पे आप किसी को भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक कंपनी को ऐड कर लिया। इसी तरह से आप मल्टीपल कंपनीज को यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कंपनी को भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको कंपनी के एक स्टॉक का वैल्यू दिख जाता है। यहाँ पे आपको किसी स्पेसिफिक डे में कितना इस कंपनी के स्टॉक्स का वैल्यू बढ़ा है या फिर घटा है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, और कितना परसेंट घटा है और बढ़ा है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे आपको बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस और आस्क क्वांटिटी और आस्क प्राइस दिख जाता है। बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस बताता है कि बायर्स कितने क्वांटिटी को कितने प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, और यहाँ पे आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी बताता है कि सेलर्स कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं। यहाँ पे आपको किसी स्पेसिफिक डे में किसी स्टॉक्स का प्राइस कितने से ओपन हुआ था, अभी तक में कितना हाईएस्ट गया है, और पूरे दिन में अभी तक में कितना लोएस्ट गया है, और कल इसकी क्लोजिंग प्राइस कितनी थी। तो कल 440 पे ये क्लोज हुआ था और आज इसका ओपनिंग प्राइस है 444 रुपया था।
यहाँ पे आप किसी कंपनी के चार्ट को भी देख सकते हो। चार्ट में यहाँ पे आपको स्टॉक का प्राइस और यहाँ पे आपको टाइम दिख जाता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइम के लिए कि पिछले 5 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में स्टॉक की प्राइस क्या थी, कितनी बढ़ी थी और कितनी कम हुई थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च में स्टॉक्स का प्राइस 390 था, लेकिन अभी ये बढ़ के 443 रुपया हो गया। तो इस तरह से आप चार्ट को स्टडी कर सकते हो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि पिछले 5 साल में इसका क्या परफॉर्मेंस रहा था, मीन्स स्टॉक्स का वैल्यू 70 रुपये के आसपास से 400 रुपये तक पहुँच चुका है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कितना रिटर्न आपको ये दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टॉक डिटेल्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ओवरव्यू दिख जाता है। तो ये मैंने बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी पहले एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस दिख जाता है कि कितने एवरेज प्राइस पे इसे बाय किया जा रहा है। यहाँ पे कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, मीन्स कितना वॉल्यूम अवेलेबल है स्टॉक्स का। यहाँ पे आपको LCL लोअर सर्किट लिमिट और UCL भी दिख जाता है अपर सर्किट लिमिट कि कितना इसका लोएस्ट वैल्यू जा सकता है किसी स्पेसिफिक दिन और कितना हाईएस्ट वैल्यू जा सकता है। और यहाँ पे आपको पूरे ईयर में इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा कि पूरे साल में इसका मिनिमम वैल्यू 268 रुपया गया था और हाईएस्ट 536 रुपया गया है और ये इसका करंट वैल्यू है। इसके अलावा यहाँ पे आप टेक्निकल्स में जा सकते हो। टेक्निकल्स में यहाँ पे आपको दिख जाता है कि स्टॉक्स का वैल्यू बियरिश है, न्यूट्रल है या फिर बुलिश है। तो बुलिश सिग्नल आपको बताता है कि स्टॉक्स का वैल्यू बढ़ने के चांसेस हैं और बियरिश बताता है कि इसके स्टॉक्स का वैल्यू घटने का चांसेस है, मीन्स प्राइस डाउन जाएगी। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स मिल जाता है, पुट और कॉल वैल्यूज। यहाँ पे आपको इसके फंडामेंटल्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फंडामेंटल्स में आकर के स्टॉक्स की क्वालिटी, इसका वैल्यूएशन, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख सकते हो। अगर ये रेड साइड रहता है तो ये बिलो एवरेज होगा, अगर ग्रीन में रहता है तो ये आपका अट्रैक्टिव होगा और बीच में रहता है तो ये आपका फ्लैट रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी, वैल्यूएशन और फाइनेंशियल ट्रेंड को भी देख सकते हो। इसके अलावा आप कंपनी का नेट सेल्स, ROEC, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये सारे वैल्यूज देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रेशियोज मिल जाएंगे, जैसे कि PE रेशियो, PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, और भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रेशियोज मिल जाता है। यहाँ पे आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो कि प्रमोटर्स का कितना परसेंटेज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कितना है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, अदर DIIs और नॉन इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हमेशा ध्यान देना है कि प्रमोटर्स का परसेंटेज अच्छा खासा हो। तो मान लो मैं यहाँ पे कंपनी के सारे डेटा से कन्विंस्ड हूँ कि ये कंपनी अच्छी है और मुझे इसका स्टॉक बाय करना है। तो बाय करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है कि कितने क्वांटिटी को आप बाय करना चाहते हो। तो मान लो यहाँ पे मैं 2 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ और यहाँ पे आपको प्राइस चूज कर लेना है कि आप लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हो या फिर मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हो। तो लिमिट प्राइस मीन्स अगर इस वैल्यू को रीच करता है स्टॉक्स का वैल्यू तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, अन्यथा आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पे 444.35 रुपया इसके एक स्टॉक का वैल्यू है। अगर मुझे लगता है कि ये 440 तक भी जाएगा और मैं इसको 440 में ही बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं वैल्यू इंटर करूँगा और यहाँ पे मुझे लिमिट पे सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप यहाँ पे मार्केट पे चूज कर लेते हो तो आपको वैल्यू इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो आपका करंट स्टॉक का प्राइस होगा उसी प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप में 3 ऑप्शन मिलता है, डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे। डिलीवरी मीन्स अगर आप स्टॉक को बाय करके लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो बेस्ड ऑन जो भी इसका प्रॉफिट और लॉस हो, तो यहाँ पे आप डिलीवरी पे चूज करोगे। तो मार्जिन पे सेलेक्ट करने के बाद आपको एंजल वन इंटरेस्ट पे पैसा देता है स्टॉक्स बाय करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन होता है इंट्राडे का, अगर आप सेम डे बाय करके सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इंट्राडे पे सेलेक्ट करना है। तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल डिलीवरी में बाय करना चाहता हूँ। तो डिलीवरी पे चूज करने के बाद यहाँ पे आप इसके चार्जेस को भी देख सकते हो, अप्लीकेबल चार्जेस को। तो ये सारे चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको बाय करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ यहाँ पे मैं ऑर्डर वाले सेक्शन में पहुँच जाता हूँ। ऑर्डर वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको पोजीशंस में जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स का भी दूसरा ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 444 रुपया एक स्टॉक का वैल्यू था और मैं यहाँ पे 440 के लिमिट प्राइस पे बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस करता, तो जब तक स्टॉक का वैल्यू घट के 440 नहीं पहुँचता तब तक ये मेरा पेंडिंग में शो करता। तो चूंकि मैंने मार्केट प्राइस पे बाय किया है तो इंस्टेंटली मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, यहाँ पे मुझे पोजीशन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि कितनी क्वांटिटी आपने बाय की है, एवरेज प्राइस कितना है और यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा। तो जिस भी प्राइस पे आपने बाय किया है अगर इससे यहाँ पे प्राइस एक्सीड करता है, अप जाता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा
तो इस तरह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस भी दिख जाता है। यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस दिख जाएगा, मीन्स अगर आप अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हो तो इंडिविजुअल कंपनीज का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखेगा और टोटल प्रॉफिट लॉस सारी कंपनीज के स्टॉक्स का मिला के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अभी तक में आपने कितना प्राइस इन्वेस्ट किया है, मीन्स कितना आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और आपका करंट वैल्यू कितना है। यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस दिख जाएगा, तो ये करंट और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे मैं अभी प्रॉफिट में हूँ और यहाँ पे आपको किसी स्पेसिफिक दिन में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है यहाँ पे वो दिख जाता है। तो यहाँ पे मैं आज के दिन 1000 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट में हूँ और मैंने इन्वेस्ट किया है 60,000 और करंट वैल्यू है 65,000, तो लमसम 5,000 का प्रॉफिट। और यहाँ पे आपको दिख जाता है कि किस किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है और जब आपने उसके शेयर को बाय किया था तो उसका वैल्यू कितना था, अभी उसका वैल्यू बढ़ के कितना हो चुका है और कितना आपको प्रॉफिट हो चुका है और यहाँ पे आपने कितना क्वांटिटी बाय करके रखा है वो भी दिख जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप बाय किए हुए स्टॉक्स कंपनीज का लिस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैंने टाटा मोटर्स का 2 बाय किया था, यहाँ पे मुझे अभी इससे 1 भी रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो अब मान लो इस पोर्टफोलियो में से मैं स्टॉक्स को सेल करना चाहता हूँ, तो सेल करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको फिर से और भी ज़्यादा स्टॉक बाय करने का ऑप्शन मिल जाता है और सेल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मान लो मैं एक स्टॉक को सेल करना चाहता हूँ तो मुझे सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे टोटल मेरे पास सेल करने के लिए 2 क्वांटिटी है, मीन्स जितना आपने बाय किया है उतना ही आप सेल कर पाओगे, उससे ज़्यादा तो सेल कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं एक ही क्वांटिटी को सेल करना चाहता हूँ और एक होल्ड करके रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जिस भी प्राइस पे इसे सेल करना हुआ वो इंटर कर देना है। यहाँ पे आप फिर से लिमिट और मार्केट चूज कर सकते हो। लिमिट मीन्स मान लो अभी ये 444.25 रुपया पे, ये फिर 40 पैसे पे इसका वैल्यू चल रहा है और मुझे लगता है कि ये 445 रुपया तक जाएगा और मैं इसे 445 रुपये पे सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिमिट पे चूज करूंगा और यहाँ पे मैं 445 रुपया इंटर कर दूंगा और यहाँ पे मैं डिलीवरी पे सेलेक्ट करके सेल कर सकता हूँ। और जैसे ही स्टॉक का वैल्यू 445 रुपया पहुंचेगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस पे ही सेल करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मुझे मार्केट पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे मुझे सेल पे क्लिक कर देना है, कंफर्म सेल। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो मैं फिर से ऑर्डर वाले सेक्शन में आ चुका हूँ और अब यहाँ पे मेरे पास बस एक क्वांटिटी बचा हुआ है और यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट और लॉस भी दिख जाता है। और यहाँ पे भी पेंडिंग में अगर मैंने लिमिट लगा करके सेल किया होता यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता डिटेल्स जब तक कि सेल नहीं होता। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आपको स्टॉक्स को सेल करने के बाद फंड को विड्रॉ करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको फंड में आ जाना है और यहाँ पे आपको विड्रॉ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके पास जितना भी विड्रॉवल अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मीन्स मैं अभी इतने प्राइस को विड्रॉ कर सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट में। मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 100 रुपये इंटर कर देना है और यहाँ पे मुझे विड्रॉ फंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरा ये विड्रॉवल फंड के सेक्शन में आ जाता है और ये मेरा पेंडिंग है और ये 2 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में वापस से आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपली विड्रॉ भी कर सकते हो विड्रॉ पे क्लिक करके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे फिर से वॉच लिस्ट पे जाते हो यहाँ पे आपको न्यूज़ का भी सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप टॉप कंपनीज के न्यूज़ को भी देख सकते हो। इससे भी आपको पता चल जाता है कि कौन सा कंपनीज क्या करने वाली है, उसका परफॉर्मेंस आगे कैसा जाने वाला है। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप इक्विटी मार्केट देख सकते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको डेली शेयर मार्केट क्लोज होने पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स दिख जाता है, मीन्स जिस कंपनी का शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा है या फिर सबसे ज़्यादा आगे गया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कितना शेयर प्राइस आगे बढ़ा है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा कंपनी अभी आगे चल रहा है, किसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है और किस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जा रहा है। तो जब कंपनीज का शेयर प्राइस डाउन जाता है तो वहाँ पे आपको कंपनीज के शेयर को बाय कर लेना होता है और जब उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो विथ प्रॉफिट आप उसे बेच करके पैसे कमाते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोफाइल का सेक्शन मिलता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है रेफर एंड अर्न का। तो यहाँ पे आप एंजल वन ऐप को अपने किसी दोस्त फैमिली मेम्बर या फिर किसी को भी रेफर करके अगर एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको 500 रुपये का वाउचर भी मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप सेटिंग्स को देख सकते हो और अपने अकाउंट की डिटेल्स को भी देख सकते हो जो भी आपने एंजल वन अकाउंट क्रिएट करते समय फिल किया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको एंजल वन ऐप को यूज़ करना है, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए कैसे आपको फंड्स ऐड करना है, कैसे आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी टाइप के छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस चैनल से जुड़े हैं अभी के लिए बाय बाय।